सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और आप सभी को सुप्रभात, मतलब रत रत नमस्कार। और मीचू एल नुमाइश के उत्ती बैठी और यह नन, मतलब नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं स्कूल को जा रहे हैं, तो यार जो जो पुरानी याद है एल रत रत बयान उन्हें। और आज ये जो लाइव छो वो ये लीजिए छो कि मैं रत जो जो आज स्कूल 99 को छोड़ने आ रही थी और बानर इधो आतंक यार ये देखो कैसे झूल खेल पे उन्होंने बानर, ये है यार स्टाइलिश बानर। तो एक टाइम उठी यश टाइम में या हम क्रिकेट खेलते, तो आज तो यार क्रिकेट क्या हुनो है ना, लेकिन फिर ले या कुछ लॉन्ड मॉड जो छे क्रिकेट खेलनी और कुछ नाइनटीन जो छे स्कूल जाने तैयारी है। तो तैयारी के छो मतलब आज स्कूल में कौल पीरियड ये है देखो, तो जो लोग देखनी यार उनको पता होना कि आज जो है ना मतलब यश टाइम में हम लोग क्या करते हैं और जो बक्सर में जो लॉर्ड रूनी उन सब उनको पता होना कि कसी मतलब रत्ता ब्याणक जो छो अलग बक्सर छो ब्याह कर अलग बक्सर छो और दिनक अलग बक्सर छो मैं बावला आई ठड़ हरी अल्लाह नभेर में सीधे होनी है 99 को छोड़ने लीजिए हरी और कोशिश थी कि रत्ता ब्याण कस देखिए और जब इतनी अरी तो इतनी बाबा बागनाथ जी ने दर्शन जरूर करूँ और माँ सरयू दर्शन जरूर करूँ और संगमा दर्शन जरूर करूँ। तो सबसे पहले मैं हिकार तुमके देखूँ ना, ये देखो यार जय भोले बाबा, जय बाबा बागनाथ, रत्ता रत्ता गुड मॉर्निंग साथ मतलब तुम जो छो अब दिन शुरुआत करो और भगवान बागनाथ तुम्हारे आज जो मनोकामना छो पूरी करो यार। और चलो ड्रीम इलेवन लगो नहीं हो ना डबल वापस जाओ और अपनी ये ना कह सकनी कि ना सपना के एक दगड़े निकल जाओ कभी, लेकिन ये चूँकि डबल वापस ही आ जाओ। और जो तुम मित्र जी ने एक एक कभी सपना नंबर लगो यार, 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 25 लाख, मतलब इसी कभी निकलते रहो तो थोड़ा सा खर्चे खर्चे निकलते रहो। तो दस हमारे दादी ले दिन लिख रहा थी कि ड्रीम इलेवन टीम बनून हबरे पहली जो छो सब सोचने की यार मैं करोड़पति बनन, तो लेकिन वो बात जिसके धीरे 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 नमस्कार, तो जिसके धीरे 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 मतलब वो हूँ टीम जरा डाउन होते जाए तो फिर लागू यार हम 49 मिल जाए थी तो वो बहुत टुल बात थी। तो और इतनी जो अरी तो यार ये जो पुल जो छू हमारे लोकप्रिय विधायक चंद्र राम दास जी ने, स्वर्गीय चंद्र राम दास जी ने याद दिख रूँ और उन्हें बनाई मूर्ति हमेशा भी जिक्र करना वो चीज़ों, तो याद हो यार उन्हें उन्होंने बहुत कुछ हमें यहाँ लीजिए करो। और यह माँ सरयू नदी तट क्या बात है यार। तो एल जो छो ना मतलब और हमार उनके तो मैं भूल नहीं सका चेयरपर्सन सुरेश केतवाल जी, तो ये जो भेंट ने लीजिए यहाँ सुविधा हमारे माता जी इतनी भेंटती है क्या ये देखो यार। तो यह रत्त ब्याण लौट मौट को नहीं ना हम लोग इतनी भेंट भेर जब रत्ता रत्ता ब्याण उठ भे इतनी उन्हों तो हम लोग इतनी भेड़ नो क्या बात है। अरे हमसे भी बाय बोलो, हेलो बाय बाय यहाँ यार हमसे बोलो यार बाय, खूब पढ़ गया ना। तो नंती ना स्कूल उनका मूड खराब रहा हम आज डुग्गू लाल स्कूल न गए साजा, मेरे को खांसी हो रही मैं नहीं जाऊँगा उन हसी मिन का हैबरे यार उन पर। तो मैं कुनी ना इतनी हो यो जो सुरेश खेतवाल जो ना भेंट ना लीजिए बना रखो यार यार जरा दिल में मतलब एक यार सुना साफ स्वच्छ जाग से इतनी मैच भेंटनी और जो लौंड मौंड होनी वो अब एजुकेशन लीजिए चर्चा करनी और जो और ग्रुप भेंट होनी तो अब और लौंड मौंड जो सिंगार मैच थी उतनी राजनीति चर्चा करनी, तो एक भेंट में बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म जो और इतनी जो छू हम एक चीज़ ध्यान रखनी था जस जो उहनी अराजक तत्व वो लोग अगर भेटती तो पुलिस कंप्लेंट हम करण चाहे और इतनी जो है एक स्वस्थ वातावरण बोल चाहे। तो ये 99 के देख लिया यार तुमका अब याद होने नहीं और जो हैं और मैं तो अब ये भवन के देख लिया याद होने ना जस रत्ता घरवाई को चुपड़ चापड़ पे हम दीपान सुकर जैसे भेजो ना, तो अब सब ने इस बावजूद मतलब ना यार हम तो करीब यार इधो घाता करीब आने। हेलो गाइस
ये हमारे भरजी के छोटे छोटे बच्चे आ गए यार। हेलो गाइस, ये देखो यार इसका डायलॉग है। काकू क्या बात है, हमारा काकू जो है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक है। काकू भाई का मॉर्निंग वॉक यार। तो लौंड मौंड दिन अब सामान ले लाइन हो लेगी। तो योले एक दिनचर्या चो तो मैं जिक्र क्या करने से क्या होनी चाहिए यार, मैं भूल जानो। जय शिव शंकर। तो मैं वो कुने यहाँ भोलेनाथ जी तुम्हारे मनोकामना पूर्ण होगी। और यह जो छो हमारे रामलीला भवन छो, क्या बात है यार, जय हो। तो रामलीला भवन छो यहाँ रामलीला प्रोग्राम होनी और जो तू सांस्कृतिक प्रोग्राम होनी को ठूल ठूल नेता अभिनेता जब लो छो तो यज्ञ बड़े चमकाई जाऊँ उस टाइम पर। यह क्षेत्र में पूरा क्षेत्र भरी जा, बल्कि जा कम जा, बल्कि परसों पूर्व फिर जब मुख्यमंत्री जी आ रहा पुष्कर धामी जी आ रहा थे तो यहाँ फुल 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 होल्डिंग लग रहा है, बोर्ड लग रहा है। तो यहाँ देखो यहाँ जग जो है ना, ठीक है, तो यह पुर जो है यह क्षेत्र पैक हो गई थी। तो ये टाइम थी यहाँ इधर जबरदस्त क्रिकेट मैच हुई थी ना, वो बात अलग थी यार। ये देखो नुमाइश कहते एक खासियत ये छो कि अगर यहाँ बॉल तुम शॉट मार दो वो बॉल जो है ना कोई वापस लौट आ, क्योंकि हर एक जो है ना ये फील्ड में खेली छो। जैसे उन्होंने मारे शॉट यहाँ और यहाँ रिस्क के शॉट मार जो इतनी जो बाउंड्री लाइन में जो बैठे जो, क्योंकि यह किनाल वो बैठे जो खिलाड़ियों उनको आपको याद होनी, जब हम लोग इतनी खेलचा पहली बार तो हम इतनी बैठ रहे, तो मतलब यार समझ सकते। अगर तुम खेल रखो ना यार, मैं एक अगर लिख ला तो कब जो बाद मतलब वीडियो देख ला यार, क्या बात है यार, इसका हम लोग खूब दौड़े हैं यार। तो मतलब एक यार माहौल रुचि ना गजब यार। चंडीगा मैया आई लव बागेश्वर से जय भोलेनाथ। माही मेहता, माही मेहता क्या बात है माही भैया। तो जो बक्सरा मान्यता थी वो मुख्य रूप से संगमक थी यार, ये संगम और भोलेनाथ जी ये द्वी, तो मतलब यार इन कारण जो थे ना हम जो छो इन हमारा अस्तित्व छो यहाँ बक्सर, क्योंकि बक्सर जो छो ना उसी को यह ज़्यादा मतलब फ्रेम में न आ पाए, क्योंकि यह एक प्रचार प्रसार न पाए। और इतनी एक मंदिर यह छो वो मंदिर बारे में बहुत कम जानी, वो छो बेणी माधव मंदिर। तो कई जहाँ उत्तरायणी जो शुरुआत हूँ वो यहाँ बैठी हूँ, 3 दिन तक लगातार यहाँ ऊनी का फेर कुनी। ये बेणी माधव मंदिर जो भगवान विष्णु मंदिर छो, और जदू मान्यता हमारा बागना मंदिर के थ्रू उदू मान्यता यो मंदिर के लिए, लेकिन यह बारे में जो छो ना ज़्यादा जानकारी मतलब प्रचार प्रसार ये चीज़ न हो पाए न होना कारण जो छो ना यह मंदिर जो छो उपेक्षा में छो। तो यह एक धीरे धीरे जीर्ण उद्धार हो। और पूर्व मैं महंत जी ने बात भे तो महंत जी ने लगवा यार कि यह एक बहुत ठूल महत्व छो ये मंदिर बारे में बतूना चाहिए। हमें तिलदाब हो गया पवन खेजवाल जी, गुड मॉर्निंग साहब।